हेलो जैन दोस्तों मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टूडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत तो और अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनों के सामने खबर लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूँ जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा थानेट को ऑडिट किया होगा जी हाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा से चैनों की अभी इस भर्ती को लेकर के जैसा कि इस भर्ती को लेकर के पूर्व में भी आ, मैं भी वीडियो मैंने आपको बना के बनाया था आपके लिए और आज फिर उसी संबंध में है कि जी हाँ जो कैलेंडर में भर्ती मेन्सन की गई है अब इस भर्ती को लेकर के भर्तियों द्वारा आवाज़ लगाई गई है माननीय उच्च न्यायालय में जी हाँ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई इस भर्ती परीक्षा को सीधी भर्ती के तहत करवाने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग से इसमें जवाब भी मांगा है उनके नियमावली को लेकर के क्या कुछ प्रक्रियाएँ हैं पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा किस भर्ती को लेकर के क्योंकि उत्तर प्रदेश अधिन सेवा से चयन कैलेंडर की सबसे बड़ी भर्ती के लेकर ये विज्ञापन इसमें जारी हुआ है तो चलिए देखते हैं पूरी खबरें विस्तार से लेकिन उससे पहले चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट इसके पहले आ, सबसे पहले तो बेल आइकन घंटी प्रेस करके सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा चलिए बात करते हैं यहाँ से हम सभी लोग अब अब ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की सीधी भर्ती के मामले में सरकार से जवाब मांगा लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर इस भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों को जो है आवागमन भी रहा है और लगातार भर्ती इस भर्ती परीक्षा को पीटी से अलग करने के लेकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी लगातार लेते रहे हैं क्या कुछ खबर है आप देख सकते हैं प्रयागराज से खबर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ वर्कर व अन्य कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है याचिका का कहना है कि दो की न्यूआमली से पहले यह नियुक्तियाँ आयोग के दायरे से दायरे से बाहर थी बैचवार वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाती थी याचिका में नियमावली में कुछ उपबंधों की चुनौती दी गई है और याचिका की सुनवाई अब तेरह अगस्त को है तेरह अगस्त को एक महत्वपूर्ण डे और है वीडियो भर्ती को लेकर के वीडियो भर्ती के भी जो है याचिका जो जायर की गई थी उसकी सुनवाई भी आज है तेरह अगस्त को है कोर्ट ने कहा कि परीक्षा परिणाम याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने प्रियंका शुक्ला व ग्यारह अन्य की याचिका पर दिया है याचिका पर अधिवक्ता संजय कुमार ओम व रवि प्रकाश शुक्ला ने बहस की है इनका कहना था कि याचीगढ़ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी ए के रूप में संविदा पर कार्यरत है पहले नियम था कि हेल्थ वर्कर पद पर बैचवार वरिष्ठता के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी अब नियोमिली से आयोग से चयन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई जिसे चुनौती दी गई है संविदा और पहले से काम करने वालों को मौका देने की मांग तो लगातार मांगें उठाई जा रही है कि जो सबसे बड़ी भर्ती है कैलेंडर की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल की इस भर्ती को सीधी भर्ती के तहत कराया जाए और इसको पेट से अलग कर दिया जाए आखिरकार जब पेट से ये भर्ती अलग कर दी जाएगी तो पदों की संख्या ऑलमोस्ट आप जितने 9000 से ज़्यादा पद हैं इसी भर्ती को सरकार गिना रही है और ये पेट से अलग हो जाएंगे तो ऑर्डुन सेवा चाहे पेट के माध्यम से कितनी भर्तियाँ कराएगी आपको पता होगा जो सामान्य युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये समान विवाह जो लेखपाल की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट में कर सकते हैं लोअर पी में कर सकते हैं और जो है गन्ना पर्यवेक्षक की बात की जाए तो ये भी सामान्य में ही आता है लेकिन एग्रीकल्चर स्पेशल है तो कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जो कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की भर्ती ये तो वेरी स्पेशल है है ना वेरी स्पेशल लोगों के लिए है जो इनके पास ए एन एम का जिन्होंने कोर्स कर रखा उन्हीं के लिए चीज़ बेनिफिट होगा वही इसमें आवेदन कर सकते हैं तो ये इस भर्ती को लेकर के यानी कैलेंडर की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर के अधनत सिवाचन आयोग में जो है जवाब मांगा गया है तीन हफ्त के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आई होप खबर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर व्यक्ति तक जो उत्तर प्रदेश के युवा है प्रतियोगी छात्र है उस तक ये खबर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ अब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत